कि नई शिक्षा नीति बहुत बड़े अध्ययन के साथ, मैं समझता हूँ लाखों लोगों से पूछने के बाद, शायद आज तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं होगी जो जिसका इतने बड़े लेवल पे जिसकी चर्चा की गई हो। हर प्रकार के विशेषज्ञ, चाहे वो शिक्षाविद थे उनके साथ ही बातचीत की गई, चाहे वो राजनीतिक लोग थे उनसे बातचीत की गई, जो आम आदमी था उससे बातचीत की, हर वर्ग के साथ बातचीत करने के बाद तो ये शिक्षा नीति बनी है बड़े लंबे टाइम के बाद। और मैं समझता हूँ कि इसके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा देश में, रोजगार बढ़ेंगे। इस पर काफ़ी जोर इस बात पे दिया गया है कि जो छात्र शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाहर आएगा तो वो स्वयं रोजगार करने की स्थिति में हो, मांगने वाले की बजाय देने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। इसलिए कौशल रोजगार के जो रोजगार है उस पर काफ़ी जोर उसमें दिया गया है, वोकेशनल एजुकेशन जो पे काफ़ी जोर दिया गया है। हम पहले 9th क्लास से शुरू करते थे, अब 6th क्लास से शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ हो सकता है कि शायद हरियाणा पहला स्टेट ऐसा हो जिसने उसकी शुरुआत की है। अब की बार हमारे पास 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो 6th क्लास में हैं, और पहले 9th में हमारे पास 1,96,000 स्टूडेंट हैं जो वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं। और हम किट देने वाले भी शायद हम ही पहले स्टेट हैं जो उनको किट भी दे रहे हैं, ताकि बच्चे पूरा ट्रेंड होकर बाहर जाएँ वो काम करें। दूसरे इस पर और इस बात पर जोर दिया गया, जिससे पहले अंग्रेजी में बहुत जोर रहेगा तो उसमें मातृभाषाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया कि जहाँ की जो भाषा है उसमें उसको एजुकेशन देनी चाहिए बच्चे को। हिंदी में भी जोर है और वहाँ की अगर कोई लोकल लैंग्वेज है उसमें जोर। दुनिया का भी जो तजर्बा है वो यही है कि जहाँ जिन स्टेटों ने अपनी भाषा पढ़ाई ना वहाँ के रिजल्ट अच्छे हैं, अपनी भाषा पढ़ाई ना वहाँ के रिजल्ट अच्छे हैं, और जिन लोगों ने दूसरी भाषा पर ज़्यादा जोर रखा वहाँ के रिजल्ट उसके मुकाबले में अच्छे नहीं हैं। हमारे यहाँ भी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा जोर रहा, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल इसी वजह से उन्होंने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। हालांकि ऐसा था कि उनके पास योग्यता थी, लेकिन इसकी वजह से तो उस सारे के सारे में एक परिवर्तन किया। दूसरा, इस प्रकार की भी छूट दी गई कि जैसे कोई साइंस साइड का बच्चा है लेकिन एक विषय ऐसा है जिसमें उसकी महारत हासिल है, मान लीजिए संगीत में उसकी महारत हासिल है, लेकिन अगर वो BSc कर रहा है तो फिर संगीत में तो नहीं हो जा सकता। तो अब इस प्रकार की भी छूट दी गई कि अगर वो कोई और सब्जेक्ट भी लेना चाहता है तो वो सब्जेक्ट भी वो ले सकता है। और भी इस प्रकार की छूट दी गई कि जैसे बच्चे ने 1 साल का एक कोर्स, मतलब उसका जो डिग्री उसने लेनी थी वो 3 साल की थी, लेकिन वो केवल और केवल 1 ही साल पढ़ा, तो अगर 1 साल भी पढ़ा तो उसका उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल पढ़ा तो उसका डिप्लोमा उसके मिलेगा, 3 पढ़ेगा तो 3 साल की डिग्री मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 साल पढ़ा तो उसका पूरा साल ही खराब हो गया। तो ऐसे बहुत से परिवर्तन किए जो काफ़ी लाभदायक हैं, सबने उसकी सराहना की है। और हमारा प्रयास ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2030 तक पूरे देश में सभी ने इसको लागू करना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2025 तक इसको लागू करेंगे, और हमने उसमें काफ़ी काम कर लिया। जैसे प्ले स्कूल है हमारे, तो 4,000 हमने पिछली बार खुले 4,000 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार की है, और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में मैंने आपसे बता ही दिया कि हमने सिटी से शुरू कर दी और उसमें काफ़ी आगे हैं दूसरों के। तो इस प्रकार से जो ये शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी काफ़ी लाभ।